आज का हम हमारा टॉपिक है क्रॉप फिजियोलॉजी का, जो कि हम सेकंड सेमेस्टर इवन सेमेस्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स सब्जेक्ट है, उसी का टॉपिक है या उसी का एक पेपर है क्रॉप फिजियोलॉजी का। उसी क्रॉप फिजियोलॉजी में जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह है क्लोरोफिल। आज हम क्लोरोफिल के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा क्लोरोफिल के बारे में बेसिक नॉलेज जानते हैं। क्लोरोफिल है क्या? क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, एक पिगमेंट मॉलिक्यूल है, यानी कि एक ऐसा लवक है जो कि किसी भी विशेष जीवों में रंग प्रोवाइड करता है, इसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है। अच्छा, बात आती है, जैसे जितने भी संसार में ग्रीन प्लांट हैं, हरे पौधे हैं, उन सभी के अंदर क्लोरोप्लास्ट नाम का एक सेलुलर ऑर्गन्स होता है, एक कोशिकीय अंग होता है, उसी में ही क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से पौधे और पौधे की पत्तियों का रंग हरा होता है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर कुछ एक पौधों की पत्तियों का रंग लाल भी होता है। बिल्कुल होता है, लाल भी होता है, पौधे के जो फ्लावर पार्ट होता है उसमें भी पीला रंग होता है, लाल होता है, हरा होता है। तो कुल मिला के ये है कि इन सभी पौधों में, चाहे इनकी पत्तियों का रंग लाल हो, चाहे हरा हो, चाहे पीला भी हो, या ब्राउन कलर हो, या फिर हम कह सकते हैं पर्पल कलर हो, इन सभी में क्लोरोफिल अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। तो आज ये जो क्लोरोफिल होता है, इसी की उपस्थिति में ही पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, समझे आप, ध्यान रखना। तो अच्छा, क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर मैग्नीशियम आयन मुख्य रूप से प्रेजेंट होता है उसके सेंटर ऑफ पॉइंट पर, जिससे कि उसकी यूनिटी की वजह से, उसकी कंपोजिशन की वजह से क्लोरोफिल स्टेबल रहता है पौधों में। अच्छा, क्लोरोफिल विभिन्न प्रकार के पौधों में, या कुछ ऐसे जीव होते हैं दूसरे, जैसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी टाइप की, उनके अंदर भी क्लोरोफिल पाया जाता है, समझे। तो ऐसे पौधों के बारे में, या उनका उनके अंदर जो क्लोरोफिल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है, या जो पिगमेंट होता है, वह लगभग मुख्य रूप से पांच प्रकार के होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई। ठीक है, ए बी सी डी ई, पांच प्रकार के क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं। उसके अलावा दो प्रकार के बैक्टीरियल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं, जिसको बैक्टीरियल क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियल क्लोरोफिल बी, और एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है बैक्टीरियो वायरिडिन। ठीक है, ये एक प्रकार का विशेष बैक्टीरिया होता है, इसके अंदर भी यह मॉलिक्यूल पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सल क्लोरोफिल होता है, जो कि लगभग सभी पौधों में ये, इसकी उपस्थिति अनिवार्य है, ये पाया जाता है क्लोरोफिल ए, ध्यान रखना, क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल क्लोरोप्लास्ट का क्लोरोफिल है। अच्छा, अब इनका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वह है क्लोरोफिल ए का C55H72O5N4 मैग्नीशियम आयन का एक मॉलिक्यूल, यानी कार्बन के 55 अणु हैं, हाइड्रोजन के 72 अणु हैं, ऑक्सीजन के 5 अणु हैं, नाइट्रोजन के 4 अणु हैं, मिलकर ये क्लोरोफिल ए बना लेते हैं। दूसरा फॉर्मूला है क्लोरोफिल बी का, जिसमें C55 यानी 55 H70O6N4 मैग्नीशियम आयन। अच्छा, ये ध्यान रखना बच्चों, ज्यादातर मोस्ट ऑफ एग्जाम में इन दोनों क्लोरोफिल के कंपैरिजन के बारे में पूछा जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन याद करने बहुत सिंपल ही है, C55H72O5N4Mg, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल यहाँ पर कम हो जाते हैं, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल यहाँ पर बढ़ जाता है। ठीक है, C55H70O6N4Mg, ये ध्यान रखना। तीसरा है क्लोरोफिल सी मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल सी मॉलिक्यूल में जो पिगमेंट है उसमें कार्बन के 55 मॉलिक्यूल, कार्बन
कार्बन के 55 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 30 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 5, नाइट्रोजन के 4 और मैग्नीशियम आयन इसके अंदर भी उपस्थित होता है। ये क्लोरोफिल सी हो गए, क्लोरोफिल ए बी सी। अब हम बात करते हैं क्लोरोफिल डी की। क्लोरोफिल डी में कार्बन के 54 मॉलिक्यूल होते हैं यानी 54, हाइड्रोजन के 70 होते हैं, ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल होते हैं 6, नाइट्रोजन के 4 और 1 मॉलिक्यूल मैग्नीशियम आयन का। मोस्ट ऑफ यही है कि मैग्नीशियम आयन अधिकतर जो क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं उनके अंदर ये मौजूद होता है। अगला आता है क्लोरोफिल ई। क्लोरोफिल ई के बारे में विद्यार्थियों अभी ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है वैज्ञानिकों को, तो इसके बारे में अभी केमिकल जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है उसके बारे में अभी ज़्यादा नहीं पता है, इसीलिए इसको अननोन में रखा गया है। ठीक है, लास्ट का है दो जिसको हम इम्पोर्टेंट बैक्टीरियो क्लोरोफिल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए या बैक्टीरियल क्लोरोफिल ए, इसमें और बैक्टीरियल क्लोरोफिल बी दोनों के बीच में जो केमिकल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वह लगभग लगभग समान है। जैसे दोनों के बीच में कार्बन के 55 मॉलिक्यूल हैं, हाइड्रोजन के 74 मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल हैं, नाइट्रोजन के दोनों में 4-4 मॉलिक्यूल हैं और मैग्नीशियम आयन दोनों में उपस्थित है। ठीक है, उसके अलावा अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होता है। क्लोरोफिल ए का डिस्ट्रीब्यूशन लगभग लगभग सभी ग्रीन प्लांट्स में होता है, जितने भी ग्रीन प्लांट हैं उनमें ये क्लोरोफिल ए तो पाया ही जाता है। दूसरा क्लोरोफिल बी की बात करते हैं, क्लोरोफिल बी लगभग सभी ग्रीन प्लांट में पाया जाता है, लेकिन कुछ एक ब्लू ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी और कुछ एक डायटम्स, जो डायटम्स होते हैं उनको छोड़कर उनमें नहीं पाया जाता है क्लोरोफिल बी। ये ध्यान रखना, क्लोरोफिल बी उनको नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल सी पाया जाता है ब्राउन एल्गी और डायटम्स। ब्राउन एल्गी जैसे कि आप लोग देखोगे खासकर जो चट्टाने होती हैं वहाँ पर, और उसके अलावा कुछ बर्फीले इलाके में जहाँ पर बर्फ ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर ब्राउन एल्गी पाई जाती है। फिर बात करते हैं क्लोरोफिल डी। क्लोरोफिल डी हमेशा रेड एल्गी में पाया जाता है, ये रोडोफाइसी एल्गी की ग्रुप की एक मेंबर है रेड एल्गी, उसी के अंदर ही क्लोरोफिल डी पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल डी यानी रेड एल्गी में। अच्छा, रेड एल्गी सम ये खासकर रेड एल्गी लेक में पाई जाती है, झीलों में पाई जाती है, अधिकतर कुछ बर्फ में भी पाई जाती है जैसे अंटार्कटिका वगैरह में भी आपने सुना होगा, न्यूज़ में अक्सर खबरें आती रहती है कि बर्फ का बर्फ के अंदर से खून निकल रहा है, खून नहीं होता वो रेड एल्गी होती है। अच्छा, उसके अलावा क्लोरोफिल ई जेंटोफाइसी एल्गी में पाई जाती है। ठीक है, ये पक्का है। बैक्टीरियल क्लोरोफिल ए और बैक्टीरियल क्लोरोफिल बी ये खासकर पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया आदि में ये पाया जाता है, और क्लोरोफिल बी सिर्फ और सिर्फ पर्पल बैक्टीरिया में पाया जाता है। ये ध्यान रखना, क्लोरोफिल बी यानी क्लोरोफिल बैक्टीरियल क्लोरोफिल बी इसमें पाया जाता है पर्पल बैक्टीरिया में। अच्छा, लास्ट में आता है बैक्टीरियो वायरिडिन। बैक्टीरियो जो वायरिडिन है वह हमेशा ग्रीन बैक्टीरिया में पाया जाता है। बच्चों ध्यान रखना, ग्रीन बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है, बैक्टीरियल वायरिडिन। ठीक है, अब इनकी जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है यानी जितने भी क्लोरोफिल हैं वह कितने स्पेक्ट्रम की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। स्पेक्ट्रम से आप समझ रहे होंगे कि सूर्य से जब प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे ही वह हमारे पृथ्वी का जो सुरक्षा कवच है जिसे हम ओजोन परत बोलते हैं, तो वह ओजोन परत कितने जो ओजोन परत है वह उस प्रकाश को छानने का काम करती है और उसकी इंटेंसिटी को कम कर देती है, जिससे वह प्रकाश पृथ्वी पर वायुमंडल में प्रवेश करते ही उसके वायुमंडल के द्वारा भी अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, फिर वह प्रकाश विजिबल लेंथ के रूप में धरती पर पड़ता है और उससे वह कुछ एक भाग उसका पेड़ पौधों के द्वारा भी एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, वह प्रकाश अलग अलग प्रकार के स्पेक्ट्रम से मिलकर बना हुआ होता है,
जिसको आप विप्योर के नाम से भी जानते होंगे, उसमें भी सात अलग अलग रंगों का प्रकाश होता है। तो उसमें प्रकाश की जो इंटेंसिटी होती है, तो खासकर उस इंटेंसिटी के आधार पर उसको नैनोमीटर में बांटा गया है। प्रकाश की जो वेवलेंथ है उसको नैनोमीटर में बांटा गया है कि कितने प्रकार की जो वेवलेंथ है स्पेक्ट्रम इन नैनोमीटर। ठीक है, तो जो वेवलेंथ है उस वेवलेंथ को कौन कौन सा मॉलिक्यूल क्लोरोफिल उसको एब्जॉर्ब करता है। तो क्लोरोफिल ए 429 नैनोमीटर, 410 नैनोमीटर, 660 नैनोमीटर और 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। उसी प्रकार से क्लोरोफिल बी 453, 430, 642 यानी कि 453, 430 और 642 टाइप की नैनोमीटर की वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी की लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। ऐसे ही क्लोरोफिल सी 645 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल डी भी 740 नैनोमीटर टाइप की वेवलेंथ को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, उसके अलावा क्लोरोफिल ई के बारे में अभी सर्टेन नहीं पता है कि इसकी अभी एब्जॉर्प्शन पावर या एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी क्या है। फिर आता है बैक्टीरियल क्लोरोफिल ए और बैक्टीरियल क्लोरोफिल बी। जो बैक्टीरियल क्लोरोफिल ए है वह 800 नैनोमीटर टाइप की लाइट, 850 नैनोमीटर टाइप की लाइट और 890 नैनोमीटर की इंटेंसिटी की वेवलेंथ को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। दूसरा है बैक्टीरियल क्लोरोफिल बी। बैक्टीरियल क्लोरोफिल बी 1020 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, उसके अलावा फिर आता है आपका बैक्टीरियो वायरिडिन। जो बैक्टीरियो वायरिडिन क्लोरोफिल है वह 750 और 760 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। तो ये आपका क्लोरोफिल के बारे में डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह इस प्रकार से बटा हुआ है क्लोरोफिल के जो टाइप्स हैं। आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हम अगली वीडियो फिर लेके आएंगे जल्दी। तब तक के लिए धन्यवाद।